Okay, everybody, it's a bright and beautiful and new day here in McLeodganj, Dharamkot. And today I have decided, कल भी मैं मैप देख के गई थी, आज भी मैं ऐसे मैप देख रही थी तो थोड़ा सा भटक गए. 5 मिनट दिखा रहा है रास्ता, मतलब समझ में नहीं आ रहा किस तरफ से जाना है. तो हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस से दिखा रहा था लाइक 15 मिनट का वॉक, बट अभी जब मैं आई हूँ तो मुझे लग रहा है कि रास्ता ना गूगल मैप कभी कभी ऐसे 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 दिखा रहा है. तो अभी मम्मी पापा साथ में है तो हम डेफिनेटली ऐसे तो नहीं जा सकते पहाड़ों वाले रास्ते से, क्योंकि उनको चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. आई एम वेयरिंग शूज़ एंड ऑल, बट उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा. तो लेट्स सी कहाँ से रास्ता है, थोड़ा फिगर आउट करते हैं. सबसे सच में आल आगे पहाड़ में छोटे 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 घर देखा है ना. गाइस, दिस इज़ अ टेम्पल. दो हम वॉक करके नहीं आए हैं, हम आधे रास्ते तक आए थे. उसके बाद फिर हमें समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता किधर जा रहा है. फिर हमने एक ऐसे टैक्सी वाले भैया से पूछा, क्योंकि मम्मी पापा भी साथ में हैं, तो फिर हम 40-45 मिनट्स लगते अगर हम चल के आते तो इसलिए फिर हमने टैक्सी ले ली, जिन्होंने हमसे 500 रुपये लिए. हमें वापस भी छोड़ देंगे वो भैया, तो हम उससे आए हैं. देयर इज़ अ टेम्पल और व्यूज़ आर ब्रेथ टेकिंग फ्रॉम देयर. हम लोग अभी यहाँ से क्या है, आगे थोड़ा सा एक वाटरफॉल है, बोल रहे हैं भैया बहुत अच्छा है वाटरफॉल, तो वॉक करके जाएंगे. मंदिर में दर्शन करने के बाद वी आर गोइंग टू सी द वाटरफॉल. देर इज़ अ सनसेट कैफ़े एज वेल, जो हम पीछे छोड़ के आएंगे, आपको वापस जाते टाइम दिखाऊंगी. बिकॉज मम्मी पापा को वहाँ पर बिठा दिया है, क्योंकि उनके लिए ये वाला रास्ता थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता एंड दे आर ऑल्सो नॉट वेयरिंग शूज़ एंड ऑल प्रॉपर, तो उनको वहाँ बिठाया है. हम में और तारिका, वी बोथ आर गोइंग टू सी द वाटरफॉल. पिक्चर में तो बहुत अच्छा दिख रहा है, बाकी लेट्स सी. हम ये जो वाटर वाली जो पाइपलाइन होती है ना, इसको फॉलो करते करते बस जा रहे हैं. बिकॉज देयर इज नो नथिंग लाइक दे टोल्ड अस कि 1/2 आवर लगेगा पहुंचने में. रास्ता जो है गाइस यहाँ का थोड़ा पथरीला सा है और नीचे, और यहाँ पे रास्ते में आपको कोई दिखेगा भी नहीं. सो इफ़ यू आर कमिंग, मेक श्योर यू आर विद ग्रुप ऑफ पीपल, डोंट कम अलोन हियर, बिकॉज रास्ते में आपको कोई नहीं दिखेगा. और अगर आप अकेले आ गए तो प्रॉब्लम में पड़ सकते हो. आई एम वेयरिंग माई नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ एंड मुझे लग रहा है कि इसकी हालत ख़राब हो जाएगी जाते जाते तक. चल आराम से. अच्छा तो फाइनली आई कैन हियर द साउंड ऑफ वाटर. एक्सपेक्टेड दिस कितना ज्यादा दूर होगा. आर यू गोना मेक अ व्लॉग? या आई हैव अ YouTube चैनल. या 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 श्योर. मैडम की वजह से वी केम. इस मैडम की वजह से भाई कौन तो ऐसे क्यों करती है यार, मतलब मैं कभी आई नहीं हूं तो मुझे मान. हां बट अभी हमको तुरंत ही निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि जाने में भी 40 मिनट्स लगेंगे. सो
तारीख है तुझे? ज़्यादा देर वाटरफॉल में बैठ नहीं पाए बिकॉज वी हैव अ बस टू कैच टू नाइट एंड हमारे पेरेंट्स वहाँ पर वेट कर रहे हैं. यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा था तो हमें लगा कि निकल जाना ज़्यादा बेटर है. सो वी आर गोइंग बैक नाउ. वहाँ पर एक वाटरफॉल कैफ़े भी है बट द वे टिल दिस वाटरफॉल इज़ लिल बिट डिफ़िकल्ट. और इस वाटरफॉल का ऐसा कोई नाम नहीं है. वाटरफॉल कैफ़े के नाम से ये जगह चल रही है. यहाँ पर आपको मोस्टली फॉरनर्स देखने को मिल जाएंगे जो वाटर में डिप लेके बैठे रहेंगे. And water is very chill, very clear, like blue turquoise blue पानी था वहाँ का. It was so good. कैफ़े में बहुत कुछ खाने को मिल जाएंगे. अंकल जी थे, बहुत कुछ खाने को मिल जाएगा आपको, लाइक टोस्ट, जैम, मैगी, उसके अलावा भी अंडा वंडा बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको. सो वो टेंशन नहीं है. मुझे लगता है इफ़ यू वॉन्ट टू कम हेयर, इफ़ यू आर स्टेइंग इन धर्मकोट, आपको क्या करना चाहिए, सुबह से आ जाओ, लाइक अर्ली मॉर्निंग निकलो, पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड करो, वाटर में डिप लो, उसके बाद आराम से खाओ पियो, देन चिल मार के वापस निकलो, तो आप इवनिंग तक अपनी डेस्टिनेशन वापस पहुँच सकते हो. मुझे लगता है दैट्स व्हाट पीपल डू हियर. यस, बाकी अभी के लिए हम यहाँ से चल रहे हैं. प्रॉपर्टी वापस जाके होटल जाके सीधा सामान पैक करना है और निकलना है. मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है पर व्यू बहुत अच्छा है. अब जैसा कि मैंने ये पूरा का पूरा ट्रेल फिनिश कर दिया है, मैं आपको बताती हूँ यहाँ आना वर्थ इट है कि नहीं. तो नंबर वन, यहाँ आना बिल्कुल वर्थ इट है अगर आप सुबह से आओ. यस, देर आर टू कैफेज. एक और है आगे आया था, वो बंद है. वो कैफ़े नहीं है, वो काइंड ऑफ छोटी सी टपरी है. मेरे ख्याल से चाय मैगी मिल जाएगी आपको, अभी दिखाऊंगी. बट देर इज़ सनसेट कैफ़े जहाँ पर आप बैठ के सनसेट आराम से इंजॉय कर सकते हो. सनसेट बहुत ही प्यारा दिखेगा वहाँ से आपको, बहुत ही प्यारा. तो वहाँ से जहाँ हम अभी बैठ के ऑमलेट खा रहे थे, दैट इज़ द पॉइंट. वो एक सनसेट कैफ़े एंड वन कैफ़े इज़ इन द वाटरफॉल, वाटरफॉल कैफ़े. ये दो कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर आपको खाना पीना अच्छा मिल जाएगा एंड जगह भी वर्थ है. वाटरफॉल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, पानी बहुत ही क्लियर है, तो डिप ले सकते हो, तो उसके लिए इट्स वर्थ. इफ़ यू आर इन धर्मकोट मैक्लॉडगंज तो डेफिनेटली मुझे लगता है आना चाहिए. आके दिन है आपके पास तो आराम से पूरा दिन यहाँ पे चिल करो, खाना पीना पैक करा के ले आओ. बस एक ध्यान रखो, गंदगी मत फैलाओ. बहुत ही साफ़ है, बहुत ही क्लीन है, कहीं पर भी किसी ने कुछ ऐसा फेंका नहीं है ट्रैश. तो आप भी ट्राई नॉट टू, ट्राई क्या, बिल्कुल कचरा मत फैलाओ. कुछ भी खा रहे हो वो भी वापस लेकर जाओ साथ में. तो या दैट्स दैट. अभी बस हम यहाँ से वापस जा रहे हैं.